Hi, what's up, people? कैसे आप लोग? जैसा कि आप देखना चाह रहे थे कि मैं मेरे बैग के अंदर हमेशा क्या क्या रखती हूँ, क्या क्या कैरी करती हूँ, लाइक डेली एसेंशियल्स जो मेरे बैग में रहता है. बॉस, मेरा बैग कचरे से भरा रहता है. बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे बैग के अंदर. बट चूंकि अब आप देखना चाहते हो कि मेरे बैग में क्या होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. लेकिन आज मैं घर पे नहीं बैठूंगी, बिकॉज मेरा वैसे भी एक मीटिंग है, प्लस मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत दिल है. तो मैं कॉफ़ी पीते पीते आपको दिखाऊंगी कि मैं मेरे बैग में क्या क्या रखती हूँ. तो कॉफ़ी पीने चले और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे निकाल निकाल के दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या होता है. चले चलिए. लड़कियों को बहुत क्रेज रहता है कि सब लड़कियों के दूसरी लड़की के बैग में क्या क्या है, क्या क्या होता है, लड़कियां क्या क्या कैरी करती हैं. मुझे भी रहता है, ऐसा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता. बट मैं आई एम वेरी लाइक ओके विद लिफ्ट आगे, लिफ्ट आगे देखते हैं यार. आई जस्ट होप लिफ्ट में कोई ना हो यार. शिट यार, कैमरा लगा हुआ है लिफ्ट में, नीचे लोग देख रहे होंगे, मैं नाच रही हूँ लिफ्ट के अंदर. ओ शिट. हेलो हेलो कर. ये हमारी सोसाइटी में रहता है ये छोटू सा बच्चा, ये हमारे वॉचमैन जी हैं. हेलो कर दो जरा सबको. कैसे हो आप? बढ़िया. ये वॉचमैन मुझे पहचान चुका है. मैडम आ गई कुछ करती हुई वीडियो में. ही डजंट नो. बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ मैं. बहुत. कैसे हो आप? इधर देखो जरा कैमरा में. हेलो कर दो झाड़ू के साथ. हेलो कर दो. हेलो हेलो. ऐसा हाथ हिला के झाड़ू के साथ. ऐसा झाड़ू के साथ. हेलो कर रहे हैं आप लोगों को. हाँ जरा खोलिए ना. ये गेट तो बाद में खोलो, पहले गाड़ी का दरवाजा खोलो. थैंक यू. ये तीनों अब धीरे धीरे आदि हो गए हैं मेरे बात करने के, और चाय पीते हुए मेरे बारे में खूब बातें कर रहे हैं. ये देखो, देखा उनको हेलो भी कर रहा है. भैया ये चाय कहाँ से आती है, कौन बनाता है? सामने सकीना. सामने से आती है. सामने सकीना से चाय आती है इनके लिए. थैंक यू. बाय भैया. और बरिस्ता में बैठ के आपको दिखाएंगे कि हमारे मेकअप बैग के अंदर क्या क्या होता है. इतना अच्छा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूं जब तक मैं कॉफी नहीं पीऊँ ना. बाहर घर पे कितनी पी लूँ, लेकिन बाहर एक कॉफी बहुत जरूरी है मुझे, वरना मैं तो मतलब एकदम तलवार निकल आती है. गुस्से की तलवार मेरे अंदर से बाहर आ जाती है. मेरी कॉफी किधर है बरिस्ता की? पहले आई यूज टू बी अ स्टारबक्स फैन, बट नॉट एनी मोर. पता है कितना डिफिकल्ट होता है ये कि गाड़ी के अंदर मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ. इट्स नॉट इजी. वन शुड रियली अप्रिशिएट. अरे 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 लड़की, अरे आंटी 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 आंटी, ये आंटियां और लड़कियां मानती नहीं है बिल्कुल भी. सड़क में कहीं भी बीच बीच आ जाती हैं और कहती है कि मिस्टेक आपकी है. कुछ भी हो, लड़कियों की तो कभी गलती होती नहीं. Okay, so we are almost reaching लोखंडवाला. मार्केट में तो नहीं घुसेंगे हम, लेकिन आपको बाहर बाहर से आपको लोखंडवाला के दर्शन कराऊंगी. देख लीजिए, इस मार्केट में घुसकर आपको सारा बैंकॉक का माल मिल जाएगा. माल मतलब बैंकॉक की चीजें. माल वाला माल नहीं, माल मिल जाएगा. नहीं माल मिल जाएगा मतलब बैंकॉक का सामान मिल जाएगा. देखो, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इज लोखंडवाला मार्केट दैट आई एम क्रॉसिंग. ये रही वो मार्केट जहां से सब सस्ती और बढ़िया शॉपिंग होती है. मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी करती हूँ. ये बिल्डिंग में मैं घर लेने गई थी.
जब इसका रेट सुना ना तो मेरे कानों से धुएं निकल गए कि इधर कौन रहने आएगा। ऐसा पैसा देने के बाद तो इंसान या तो खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि पैसा तो आप भर दोगे, लोन इनका बाप भरेगा, लोन का अमाउंट जो ईएमआई आएंगे वो इनका बाप भरेगा। वो सुन सुन के पता है मैं इतना हंसी, वो जो एजेंट था मुझे देखता गया और उसको भी लगा कि ये पागल है शायद, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं आगे का फ्यूचर सोच रही थी कि मेन डाउन पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपका क्या होगा। कहते हैं कि महंगाई खत्म कर रहे हैं, किधर खत्म कर रहे हैं महंगाई? घर नहीं खरीद पा रहा है एक आम इंसान, महंगाई खत्म कर रहे हैं। ये किस कमीने ने इतना बड़ा पत्थर लगाया हुआ आगे पार्किंग की जगह पे, पार्किंग नहीं कर सकता है इंसान, बदतमीज लोग। मिल गई पार्किंग मिल गई। पता चला वीडियो बनाते बनाते मैं कहीं खड्डे में गिरी पड़ी हूँ। ब्लैक कॉफी, एक बार कॉफी आ जाए फिर मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ओके, कॉफी के साथ साथ अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या है। सबसे पहले मोस्ट एसेंशियल थिंग, योर वॉलेट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और हो या ना हो लेकिन बैग में वॉलेट का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं भी रहे तो इससे आप पैसा खर्च के आप चीज़ें खरीद सकते हो। सो ये मेरा वॉलेट है, मेरी लाइक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था ये। सो ये मेरा बहुत ही प्यारा वॉलेट है। देन कम्स माई परफ्यूम, इसका ढक्कन नहीं है इस समय, बट ये मेरी परफ्यूम है विच इज़ माइकल कॉर्स की परफ्यूम। लाइक ये है कुछ जैस्मिन है, वेरी नाइस परफ्यूम दिस इज। मैं अपने बैग में ये गागल्स ज़रूर रखती हूँ बिकॉज आई नॉर्मली ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी कॉफ़ी, मेनली कॉफ़ी। सो क्या होता है मीटिंग वगैरह में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, आपके मुंह से इतनी स्मेल नहीं आनी चाहिए। सो यू नो जस्ट फॉर अ क्विक माउथ वॉश में ये कोई भी अच्छा गागल रखती हूँ। सो दिस इज़ लाइक नया मैंने कुछ लिया है, कोलगेट फ्लेक्स का फ्रेश टी। Yes, I always carry my vitamin C with me. ये मैं vitamin C हमेशा लेती हूँ because it is good for health, और ये मुझे आदत है, मैं दो तीन vitamin C तो दिन की खा ही लेती हूँ कुछ भी कर लो। So I normally keep this with me always. लोग बहुत हंसते भी हैं, अरे दवाई मैडम दवाई लगते हैं, ये दवाई नहीं है यार, vitamin C है, it is good for health. Okay, now this is one thing that I use, Nivea ka deo hai, main hamesha lagati hu, dekho pass hota hai, ye thoda sa you know, itna agar aap din mein nikalte ho, dhoop mein nikalte ho, to thoda sa aur aise insaan behosh ho jana chahiye, so this is my favorite deo. Yeah, I carry my power bank. सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना यार पावर बैंक रखना, तो सो या दिस पावर बैंक दैट आई कैरी। पावर बैंक जरूरी है ना, इतने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हो तो चाहिए ना पावर बैंक। तो दिस इज माय पाउच जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है। ओके, नाउ दिस इज माय कैट इज क्यूटर देन योर बॉयफ्रेंड। आपको दिखा देती हूँ मैं अंदर क्या क्या रखती हूँ। Yeah, so my favorite lip balm, Patanjali balm. Okay, this is the Studio Fix that I use. Yeah, this is Studio Fix that I use.
सो नॉर्मली आई डोंट अप्लाई एनी मेकअप, लेकिन मैं ये एक बार अगर मुझे मीटिंग के लिए जाना होता है तो मैं ये थोड़ा बहुत कभी कभी हल्का हल्का यू नो लाइक अ क्विक आपको दिखा देती हूँ हल्का सा यू नो एंड यू सॉर्टेड. और एक चीज़ मैं और बता दूँ, कोई भी जो भी क्योंकि स्टूडियो फिक्स सभी लोग यूज़ करती हैं लड़कियाँ आजकल, इसका एक मैं तरीका आपको ज़रूर बता दूँ कि जब भी आप स्टूडियो फिक्स यूज़ करते हो तो जिसका जो स्पंज है ना ये कभी भी इस पाउडर के ऊपर मत रखना, बिकॉज इस पाउडर के ऊपर रखोगे तो जिस इस पर जो ऑयल होता है ना वो सूखा नहीं होता, हमारे फेस पे ऑयल जो लगता है तो आप जब इस पर रख देते हो तो सारा जो ऑयल है इस पर आ जाता है, इस पर पपड़ी जम जाती है क्योंकि बहुत जल्दी ये पाउडर जो है वो स्पॉइल हो जाता है. तो इसके नीचे वो जगह दी हुई है, यहाँ पे रखिए हमेशा, जहाँ से नीचे से एयर भी पास होती है यू नो, तो ये हमेशा नीचे रखने की जगह है, इसको ऊपर मत रख देना, ख़राब हो जाएगा पूरा का पूरा. इतना महंगा स्टूडियो फिक्स होता है, इतना महंगा होता है ये सब. तो या दिस इज़ व्हाट आई यूज़ स्टूडियो फिक्स एंड या दिस इज़ वन मैक ब्लश ऑन दैट आई यूज़, लेकिन मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती मैं ये, लाइक कभी लगता है ना बहुत मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट लाइक मच ऑफ मेकअप. ये एक और मैंने क्लिनिक का ये लिया था, सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ ब्लश ऑन तो इसको आप ऐसा घुमा के और ये निकालो एंड so this is one very good product. लेकिन अभी ये शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मार्केट में आता ही नहीं है, बट दिस वॉज समथिंग रियली नाइस आई लाइक एंड आई पिक्ड इट अप. ओके देन कम्स माई ऑल माई, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं रखा है आज, बट ऑल माई लिप शेड्स, लिप कलर्स. एक ये पेंसिल रख लेती हूँ मैं, पी ए सी का है, और ये रख लेती हूँ मैं, दैट्स इट. This is my chotu sa brush and I'm in love with this brush. मैंने एक ये brush body shop से लिया था which I really like. तो मेरे को quick quick थोड़ा सा हल्का सा brush on करना होता है, so I use this brush. Yeah, okay. Now this is I don't know. Look, ज़्यादा बहुत कभी कभी अतर जो होता है prefer नहीं करते, but ये मेरे ना friend ने gift किया था मुझे मेरे last बर्थडे पे, जो कि बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू है एंड आई लाइक इट. थोड़ा सा अगर ऐसे लगा लो रोल ऑन, इसको मल लो, कान के पीछे बिकम्स अ लिटिल टू मच, क्योंकि कान के पीछे लग जाए और आती रहे तो चक्कर ही आ जाएंगे मेरे को, तो मेरे को फिर वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है. मैं आई डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, मुझे बहुत लाइट सूदिंग फ्रेगरेंस अच्छी लगती है. सो बट यार दिस वॉज अ गुड अतर, तो मैं ये रखती हूँ कभी एक अब इससे ज़्यादा हो जाए ना तो मैं बेहोश हो जाऊँगी. What else is there? Yeah, this is ये मैं अब्रॉड गई थी तो ये कुछ बाथ एंड बॉडी वॉश का मैं कुछ वो लेके आई थी, फ्रेगरेंस लेके आई थी, लेकिन वे वही लिटिल स्लाइट बहुत ही लाइट वाली होती है, जैसे बॉडी मिस्ट होता है ना वैसा होता है. तो मुझे लगता है जैसे कभी मैं डांस करती हूँ या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ या थोड़ा भी कोई भी रिहर्सल करती हूँ तो थोड़ा मैं ये सब रखती हूँ, कितना ख़त्म भी हो गया. सो ये मैं यूज़ करती हूँ, वेरी नाइस, जैसे स्वीट पी है एंड बहुत ही स्वीट फ्रेगरेंस है, बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस है, आई रियली लाइक इट. फ्रेगरेंस कितनी निकल रही है ना मेरे, दिस माय मिल्क पाउडर जो दिस अ फैट फ्री मिल्क पाउडर विच आई यूज फॉर माय कॉफी. आई डोंट ड्रिंक मिल्क, और दूध कॉफ़ी में पीना भी नहीं चाहिए, चाय कॉफ़ी में लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसके आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं. बट फॉर मी दिस इज़ फाइन, आई मेरे को काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से इसकी आदत है, आई डोंट ड्रिंक मिल्क तो मैं ये कॉफ़ी में पी सकती हूँ. तो ये दिस इज़ लाइक अ मस्ट हैव मेरे बैग के लिए, तो बहुत ज़रूरी है, कुछ और हो ना हो लेकिन ये ज़रूर होता है क्योंकि मैं कॉफ़ी की बहुत शौकीन हूँ, बहुत शौकीन हूँ. Then comes my yeah, this was my hand sanitizer. सभी रखती होंगी लड़कियां, तो बहुत ज़रूरी होता है, कहीं भी जाओ कितने हाथ गंदे हो जाते हैं, किन किन लोगों से हमें हाथ मिलाना पड़ता है, उसके बाद हाथ मिलाने के बाद हाथ इससे साफ कर लो, इट्स गुड, इट्स हाइजीनिक, हाइजीन के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो कोई भी यूज़ कर लो, आई लाइक दिस, डिटॉल का ले लो,
लाइफ बॉय का ले लूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे हैंड क्रीम्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे मेरे हाथ काफ़ी मुझे ऐसा सॉफ्ट फील आना चाहिए थ्रू आउट, तो आई लाइक दिस हैंड क्रीम। वैसे तो अलग अलग है, मेरे पास बहुत सारी हैंड क्रीम्स हैं बट ये सब मैं बैग में कैरी कर रही हूँ, विच इज़ बॉडी शॉप का हनी हैंड क्रीम। या इट्स अ हनी हैंड क्रीम, बॉडी शॉप का है, 350 रुपए का है, 350 रुपए। लोग देख रहे हैं मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। सो दिस इज माई हैंड क्रीम, मुझे बहुत आदत है लगाने की। एंड देन लास्टली बताने की जरूरत तो नहीं है, ये कैरी करना बहुत जरूरी है अपने साथ गर्ल्स को। एंड लास्टली द बैग विच आई यूज, आई एम यूजिंग बर्बरी का बैग है ये, गो क्लोज टू द बैग। सो ये जो बैग है बहुत ही प्यारा बैग है, ये मैं दुबई गई थी और दुबई से मैंने लिया था और डिस्काउंट पे लिया था, बर्बरी पे डिस्काउंट लगता है, एलवी वगैरह पे तो डिस्काउंट भी नहीं लगता। ये अपने भी चॉइस है, मैं थोड़ी सी बैग्स की दीवानी भी हूँ, मैं अपनी बैग्स की कलेक्शन आपको कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊंगी, बट फॉर नाउ दिस इज द बैग दैट आई एम कैरिंग। और ये सारी चीज़ें मैं मेरे बैग में रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ, शायद कुछ कमी होंगी इस समय, इससे ज़्यादा ही होती हैं चीज़ें, मेरा ठूसी होती है बैग के अंदर चीज़ें, बट देन ये रिक्वायर्ड भी होती हैं यार, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। सो या सो दिस इज ऑल दैट आई कैरी इन माई बैग। एंड डू लेट मी नो कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। टेक केयर, बाय।